खूबसूरत प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों को सूर्य प्रकाश उपाध्याय मुक्त का नमस्कार। दरअसल सबसे पहले तो मैं आज के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर भारत में बजरंग दल के बाद किसी ने सिंगल लल्ला की फिक्र की है तो वो आप हैं, वरना आज की शाम में अकेला क्या करता। तो आज की शाम आपने जो IIT इंदौर में बुलाकर मुकम्मल की है उसके लिए बेहद शुक्रिया। गंभीर बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि हास्य कवि और ऊपर से सिंगल कोई सीरियस लेता नहीं है। अक्सर लोग सुनते नहीं, उसे सुना देते हैं, और सुनाते वक्त एक बात बड़ी देर तक सुनाई जाती है, शादी होगी तब पता लगेगा। अब उनको कौन समझाए साहब कि एक रजिस्टर्ड प्लॉट को मेंटेन करना उतना कठिन नहीं होता जितना 3-4 अवैध कब्जे वालों को। पता नहीं कब कौन सोसाइटी का पट्टा लेकर आ जाता है। IIT इंदौर में खड़े हैं, जब भी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काव्य पाठ करने जाते हैं तो सबकी यादें ताजा होती है। श्रृंगार रस के कवियों की यादें उनके हिसाब से ताजा होती है, हमारी यादें अपने हिसाब से ताजा होती है। मेरे साथ तो समस्या क्या हुई साहब, मैंने एडमिशन लिया जब कॉलेज में जाकर पहली बार गांव से गया था, जाते ही तो एक लड़की ने हाय लगा दी, हाय। मैंने सोचा हमारे गांव में तो राम राम करते हैं, मैंने सोचा ठीक है साहब, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, कोई लैब में कोई गिर गया होगा एसिड वैसिड। लेकिन और भी अचंभे की बात, हम दो दोस्त खड़े थे, एक बालिका आई और आकर बोली हेलो गाइज। अब गाइज के नाम से मुझे तो गांव के बाड़े में बंदी दोनों गाय याद आती है। तो उस गांव के लड़के की पीड़ा सुनिए, अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं मंच का। उस गांव के लड़के की पीड़ा सुनिए विशुद्ध हास्य कि हम गांव के हैं भोले भाले, हाय ना कहो, एक दो ही मुलाकात में युबाय ना कहो। हम गांव के हैं भोले भाले, हाय ना कहो, एक दो ही मुलाकात में युबाय ना कहो। हम जन्म से है नर, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो बैल बोल लो मगर युगाय ना कहो, तो बैल बोल लो मगर युगाय ना कहो, तो बैल बोल लो मगर युगाय ना कहो। और ऐसे ही कर्मों के कारण हम सिंगल हैं। होना भी था, मुझसे तो एक लड़की ने बोले पढ़े लिखे हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, कवि सम्मेलन में भी जाते हो, फिर भी सिंगल हो, शर्म नहीं आती। तो मैंने साफ जवाब दिया, वो जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो बताएं IIT इंदौर की ये सही जवाब है या नहीं। कि रातों की नींद उड़ती है, दिन का चैन नहीं बसता, श्रृंगार रस के कवि सुन लीजिएगा। कि रातों की नींद उड़ती है, दिन का चैन नहीं बसता, इसीलिए ये इश्क मोहब्बत का खेल नहीं जसता। अकेले हैं हम, हंसी ना उड़ाओ मोहतरमा, गांव का देसी घी है ये सबको नहीं पसता। विशुद्ध हास्य है साहब गांव के देसी घी। यहाँ डालडा घी वाले भी बैठे हैं। कोशिश हमने भी की थी डालडा घी की तरह, ऐसी ही सुहानी शाम थी। हमने किसी से कहा कि बिन तेरे ये घटाएं काली अच्छी नहीं है, ये जैसे बिना फूल डाली अच्छी नहीं है, बिन तेरे ये घटाएं काली अच्छी नहीं है, ये जैसे बिना फूल डाली अच्छी नहीं है, जो हाँ कहो तो तुम जरा सा घूमने चले, गाड़ी के पीछे सीट खाली अच्छी नहीं है, गाड़ी के पीछे सीट खाली अच्छी नहीं है। IIT इंदौर के साथियों, मैं भी ऐसे ही ताली बजाता अगर जवाब दूसरा ना मिलता। जो जवाब मिला वो सुनिए, पीड़ा सुनिए, पीड़ा सुनिए, जवाब सुनिए कि अब होने लगी शाम से ये रात देख लो, इस दिल में दबे सारे ही जज्बात देख लो, अब होने लगी शाम से ये रात देख लो,
इस दिल में दबे सारे ही जज्बात देख लो, हाँ घूमने चलेंगे यार साथ साथ हम, पर पहले अपनी जेब की औकात देख लो, पर पहले अपनी जेब की औकात देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। जेब की औकात से मुझे और भी कुछ याद आया कि उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, बिल्कुल ना सोचे बड़े शायर की लाइन है और कौन बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब बैठे हुए इनके सामने, बड़े शायर की लाइन बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता, गियर चेंज होगा। कि उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, वो समझिए कि शिकंजे में शिकार आ गया। उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, वो समझिए कि शिकंजे में शिकार आ गया, मगर जब देखी हमारी जेब की हालत तो उनको भी जैसे बुखार आ गया। वो बोली जब जेब थी खाली तो क्यों झूठी स्माइल फेंक रहे थे, वो बोली जब जेब थी खाली तो क्यों झूठी स्माइल फेंक रहे थे, हमने कहा आप जैसी से लुट कर आए हैं, हम भी कोई शिकार देख रहे थे। धारा अट चुकी है भैया, धारा अट चुकी है। और साहब एक बात और है, शिकार से मुझे याद आया, अब देश जी ने माला पहना ही है इसलिए मैं बता देता हूँ, हमारे मंच पर एक फांसी शुदा कवि, मेरा मतलब शादी शुदा कवि है, हम अभी तक सिंगल है। तो शिकार तो असल में शादी होने के बाद इंसान होता है, और जब शादी होने के बाद वो शिकार होता है तो उसे एक ब्रह्म वाक्य याद आता है जो विदाई के समय उसकी सासू माता ने कहा था, मेरी बेटी तो बहुत सीधी है। और उस दुखी पति के मन से जो पीड़ा निकलती है अपनी सास के नाम, एक कुंवारा लड़का वो पीड़ा आप सबके सामने रखता है, अगर आपको लगे शादीशुदा लोगों को कि वो सच कहा है तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। कि वो बातों में ना हारती है कैसे मैं कहूं। सब एक बात और है, शादीशुदा लोगों की पीड़ा के साथ ये बात है कि अलग अलग घटनाएं ऐसी हो जाती है कि सबको पता लगता है दुखी है। मैं आपको अवधेश जी संचालक महोदय हमारे इनकी घटना सुनाता हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ, बस स्टॉप पे गए थे, भाभी जी आने वाली थी कहीं से, भाई साहब लेने के लिए आगे वाली बस में ढूंढे, भाभी जी पीछे वाली बस में, भाई साहब कभी दाएं देखे कभी बाएं, कभी आगे देखे कभी पीछे, कभी ऊपर थोड़ी बैठ के आई है। तो भाई साहब ने बार बार देखा, भाभी जी नहीं मिली, भाई साहब कोने में आकर खड़े हो गए, उदास हो गए। दो चार लोग इनके पास आए, बोले भाई साहब क्या बात हो गई, कि भैया मेरी बीवी बस में नहीं है। तीन चार लोग कह के चले गए, यार आज के जमाने में किसकी बीवी बस में होती है। वाह 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 वाह। तो ऐसे पतियों की पीड़ा सुनिए, कि वो बातों में ना हारती है कैसे मैं कहूं, बेलन से होती आरती है कैसे मैं कहूं, वो बातों में ना हारती है कैसे मैं कहूं, वेलन से होती आरती है कैसे मैं कहूं, जो आपने कहा था मेरी बेटी गाय है वो गाय सींग मारती है कैसे मैं कहूं, वो गाय सींग मारती है कैसे मैं कहूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार। सींग मारने के तरीके बहुत अलग है, हमारे भारतीय महिलाओं के सींग मारने के तरीके सुनिए। मैं एक सत्य घटना बताता हूं, एक घर का रिवाज था कि घर का कोई भी पुरुष अगर मेन गेट खुला छोड़कर चले जाता था, उनकी धर्मपत्नी आकर जूते गेट पर रख देती थी, कुत्ता आता था जूते ले जाता था, अगले दिन पति भले पैंट की जिप बंद करना भूल जाए, गेट बंद करना कभी नहीं भूलता था। ये हमारी भारतीय महिलाओं की ताकत है, और इसीलिए कहते हैं कि ना तन्हाई का डर है ना रुसवाई का डर है, जिनका हुआ है ब्याह उन्हें लुगाई का डर है, ना तन्हाई का डर है ना रुसवाई का डर है, जिनका हुआ है ब्याह उन्हें लुगाई का डर है, दबे पांव जाते हैं रसोई में बिचारे, एक बर्तन भी गिरा तो पिटाई का डर है। और अपने जिनके नहीं आई उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सर ने कहा था प्रयास करते रहो रिपीट करते रहो, क्योंकि इश्क की थी बाजी यार हार गए हम। आप इसे मोटिवेशनल मुक्तक बोल सकते हो कि इश्क की थी बाजी यार हार गए हम, पर जाते जाते मिलने बार बार गए हम,
इश्क की थी बाजिया रे हार गए हम, पर जाते जाते मिलने बार बार गए हम। रो रो के हमने उसकी सहेली को पटाया, नो बोल पे यू चौका यार मार गए हम, नो बोल पे यू चौका यार मार गए हम। जो चौका नहीं मार पाए उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो शादी में खाना खाकर आए, क्योंकि खाने के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। एक दोस्त था हमारा जिसका 21वीं बार दिल टूटा था, वो हमारे पास आया, आकर बोला उसकी शादी में गए जिससे किया था प्यार, आंखों के आगे लुटा सपनों का संसार। समझ मुझे तब आ गई इस दुनिया की रीत, रात रात भर जाग कर लिखता हूं अब गीत, लिखता हूं गीतों में टूटे प्यार के किस्से, क्या क्या उसके साथ गया क्या मेरे हिस्से, मेरे हिस्से में रही बस उसकी ही यादें, उसकी खुशियों की सदा करता हूं फरियादें। मैंने कहा तेरी फरियादें देखना एक दिन रंग लाएगी, तेरी फरियादें देखना एक दिन रंग लाएगी, फिर किसी गली के मोड़ पर तुझको वो मिल जाएगी, उसके कंधे पर मिलेंगे अपने बेटों के बस्ते, और बेटे यूं हंसकर कहे हेलो मामा जी नमस्ते। शादी में खाना खाकर आए, बाद में कॉलोनी छोड़ दें, फायदे में रहेंगे। चलिए एक आश्चर्य रचना आप सबके सामने रखता हूं, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है, तो एक आश्चर्य रचना आपके बीच रखता हूं कि ना चांद की बात करूंगा ना तारों को सताऊंगा, क्योंकि तो उसके लिए तो शायर ही बहुत है। ना चांद की बात करूंगा ना तारों को सताऊंगा, एक शादी में गया था मैं उसकी बात बताऊंगा। घोड़ी बाजा फूल पटाखे सबके सब तैयार थे, पीछे हंसी आ रही, पटाखे चलाने वाले भी होते हैं। घोड़ी बाजा फूल पटाखे सबके सब तैयार थे, सोमरस की खुमारी में दूल्हे के सब यार थे। नागिन टोन बजने लगी तो मच गई भगदड़ भारी, लौट रहे थे सड़क पे सारे डसने की तैयारी। नागिन टोन बजने लगी तो मच गई भगदड़ भारी, लौट रहे थे सड़क पे सारे डसने की तैयारी। दूल्हा ये घबराकर बोला मुझको दुल्हन लाने दो, नागमणि ले लेना भाई शादी तो हो जाने दो। दूल्हा ये घबराकर बोला मुझको दुल्हन लाने दो, नागमणि ले लेना भाई शादी तो हो जाने दो। उस विदाई की वेला में प्यारी दुल्हन रो रही थी, झरझर आंसू बहते जाते जाने क्या क्या खो रही थी। वरना आजकल रोता कौन है, ट्रेनिंग मिलती शादी के समय कैसे रोए। कि विदाई के समय वो प्यारी दुल्हन रो रही थी, झरझर आंसू बहते जाते जाने क्या क्या खो रही थी। एक सहेली पास में आकर मुंह जरा सा खोल गई, बहते आंसू थम गए थे जाने क्या वो बोल गई। ऐसा जब सा दृश्य देखकर सर मेरा चकराया था, बिन कॉपी बिन पेन उसने गजबी पाठ पढ़ाया था। हमने कहा सहेली जी जरा इधर तो आइए, गुरु मंत्र क्या दिया है तुमने हमको भी बतलाइए। वो बोली कुछ खास नहीं, लाडो का दिल भराया है, भूल गई थी बात जरा सी मैंने याद दिलाया है। वो बोली कुछ खास नहीं, लाडो का दिल भराया है, भूल गई थी बात जरा सी मैंने याद दिलाया है। मैंने तो बस इतना बोला याद हमें भी आएगी, जो आंसू से मैं कब दोया यहीं पर रह जाएगी। कॉलेज में खड़ा हूं, बहुत सारे आशिक होंगे यहाँ पर, इसलिए उनको भी ऐसी नौबत आएगी। आपको एक कविता सुनाता हूं, एक आपके बीच की कविता है कि एक चाय की थड़ी थी गर्ल्स कॉलेज के पास। मैंने श्रृंगारस के कवि को सुनाया, बोला हो तो गई कविता क्या बच्चा। चाय की थड़ी थी गर्ल्स कॉलेज के पास, सारे छोरे बैठकर मन में रचाते रास। हम भी जा पहुंचे वहां पर, मुद्दा थोड़ा खास था, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं खुद चाय का दास था। वहीं पर मिल गया हमें कूल ड्यूड, कूल ड्यूड जानते ना, जींस फटी कमर के नीचे आंख घुमाकर सेल्फी खींचे। क्या वहीं पर मिल गया हमें एक कूल ड्यूड, नया नया आशिक बना था इश्क प्यार का मूड। हमने कहा रे भाई क्या तुम्हें सुकून नहीं भाता, आशिक बनकर करो गुलामी काहे समझ नहीं आता। वो बोला तुम क्या समझो इश्क कैसी फुलबारी है। मैंने कहा भाई अभी तक जीव तुम्हारी भारी है, सावन के अंधे को प्यारे हरा हरा ही दिखता है, फिर शॉपिंग के चक्कर में जाने क्या क्या बिकता है। वो बोला यार शाम को फिर मिलने की आस है, मैंने कि मिल तो तुम लोग ही गोलगप्पे भी पास है। भाई फिर यूं भड़क कर बोला हम तो प्रेम के रोगी हैं। मैंने गौर से देख घोंचू हम भुगत भोगी हैं। भाई फिर यूं भड़क के बोला हम तो प्रेम के रोगी हैं।
मैंने कहा रे घोसू हम भी भुगत भोगी हैं, इस थड़ी पर आकर अपने पुराने अरमा जगाते हैं, हम भी यहीं पर बैठते थे अब आगे ठेला लगाते हैं। चलिए अब अवधेश भाई ने जो मुझे मंच पर आने से पहले आदेश दिया था, मेरी आश रचना है मैं लिखता हूँ, लेकिन एक रचना जहां पर भी यूथ होता है मैं उस रचना को जरूर सुनाता हूँ, डॉक्टर साहब को भी समर्पित करता हूँ, क्योंकि अगर ये काव्य पाठ एक हास्य कवि ने अगर कुछ ऐसा लिख दिया हो, क्योंकि इस कविता के बाद तो मैं अपना स्थान लूंगा, अगर आप सबको लगे कि मैंने कुछ ऐसे आपके मन की बात कही है तो अब तक चाहे आपने तालियां मजे में बजाई या कैसे बजाई मुझे आशीर्वाद दीजिएगा जिस तरीके से आप देना चाहें। पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली मुंबई बेंगलुरु यहां वहां हर जगह जब रैप की घटना हुई एक हास्य कवि ने उस बलात्कार के ऊपर लिखा और गुस्से गुस्से में लिखा, तो साहित्य के नियम कायदों को एक तरफ पटकिए और जो मन की पीड़ा जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप सबके बीच रखता हूं, मंच का आदेश चाहता हूं। स्वागत कि उस सर्द अंधेरी रात में वो गली भी सुनसान थी, एक शब्द चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। उस सर्द अंधेरी रात में वो गली भी सुनसान थी, सहमी सहमी जा रही वो हलक में पर जान थी, ऐसा नहीं कि देर से आना उसका कोई बहाना था, बस काम की मजबूरी थी किस्मत को जुटलाना था। ऐसा नहीं कि देर से आना उसका कोई बहाना था, बस काम की मजबूरी थी किस्मत को जुटलाना था, पर चूल्हा चौका से आगे बहुत कठिन पगडंडी थी। गुस्से में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, क्षमा करें, कि पर चूल्हा चौका से आगे बहुत कठिन पगडंडी थी, कुछ गिरे लोगों की नजर में बस वो सब्जी मंडी थी। रोज रोज आकर वो अपना भाव लगाते थे और मर्द नाम पर दब्बा थे मर्दानगी जताते थे। रोज रोज आकर वो अपना भाव लगाते थे मर्द नाम पर दब्बा थे मर्दानगी जताते थे। एक साया तो पास आया धीरे धीरे चार हुए, तार तार करने को इज्जत भेड़िए तैयार हुए, गुटा गुटा सा दम था फिर भी जोरों से चिल्लाई थी, गुटा गुटा सा दम था फिर भी जोरों से चिल्लाई थी, मगर वहारे सब घरों की खिड़की ना खुल पाई थी। हैवानियत जब ओढ़ ली इस इंसानी जात ने, गली के आवारा कुत्ते रोने लगे थे रात में। हैवानियत जब ओढ़ ली इस इंसानी जात ने, गली के आवारा कुत्ते रोने लगे थे रात में, मगर कुत्तों को रोना अपशगुन होता है भारी, यही सोचकर मोहल्ले की खिड़कियां खुल गई सारी। मगर कुत्तों का रोना शगुन होता है भारी, यही सोचकर मोहल्ले की खिड़कियां खुल गई सारी। भाग गए वो दरिंदे, बेटी यूं बच पाई थी, भेड़ियों के मुंह में जाकर जैसे वापस आई थी। अंतिम दो लाइन जिनके लिए पूरी कविता लिखी है, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कि भाग गए वो दरिंदे, बेटी यूं बच पाई थी, भेड़ियों के मुंह में जाकर जैसे वापस आई थी, सर पकड़कर बैठ गई वो, सर पकड़कर बैठ गई वो, इतना समझ में आया था उसकी इज्जत को इंसान नहीं कुत्तों ने बचाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार।